थोड़े से विवादों से सावधान रहें और दैनिक आय की गति में अवरोधक हैं और आपको जोड़ चपेट सिर पर लगने का योग भी दिख रहा है इस सप्ताह, उससे सावधान रहना है। और राहु देव आपकी कन्या राशि से नौमे हैं, नौमे भाग्य वृद्धि, भाग्य स्थान पर राहु हैं तो भाग्य में अचानक चोट चपेट पहुंचा दें, यानी भाग्य में चोट पहुंचाना यानी बना बनाया खेल बिगाड़ना, ऐसा हो सकता है, उससे थोड़ा सा सावधान रहना है। और आपके भाग्य के साथ साथ में धन, ये आपकी जो भक्ति साधना है इसमें थोड़ा अवरोधक हैं, ये चिंताजनक रहेगा। और उसके बाद यही राहु देव आपके जब भाग्य में जाएंगे तो आपके स्वभाव में भी थोड़ी तब्दीली करेंगे, यानी आपके स्वभाव में क्रूरता की स्थिति निर्मल हो जाएगी, छोटे भाई बहनों के लिए कष्टदायक रहेंगे और भवन भूमि वाहन में सुख में बाधक रहेंगे, ये राहु देव की स्थिति है। कन्या राशि वालों के लिए गुरुदेव बहुत ही खराब चल रहे हैं, चतुर्थ स्थान पर हैं। अब आपके लिए क्या है, पिता के लिए स्वास्थ्य वर्धक हैं, पिता का सहयोग मिलता रहेगा, कर्म क्षेत्र में बिगाड़ है वो सुधर जाएगा, लेकिन आपका ये यहाँ पर सुख भाव में जब ये चल रहे हैं तो सुख में बाधा पहुँचाएंगे, क्योंकि गुरु जहाँ बैठे हैं वहाँ चिंताकारक होते हैं, तो माता का की चिंता, भवन की चिंता, वाहन की चिंता, मित्रों की चिंता, ये चिंताएँ बनी रहेंगी और अच्छे कार्यों में मंगल कार्यों में खर्च होगा। और शनिदेव आपकी राशि कन्या से, कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर पंचम है, पंचम चलेंगे तो पत्नी का सुख में बाधा होगी, पत्नी सुख में थोड़ा सा बिगाड़ा सकता है और आपके बड़े भाई बहनों के लिए कष्टदायक भी है, उनसे विवाद भी हो सकता है और धन कुटुंब के लिए भी थोड़े हानिकारक हैं। इस प्रकार से शनिदेव भी आपके लिए अनुकूल नहीं है। और चंद्रदेव आपकी कन्या राशि से, कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर पंचम है तो 27 और 28 तारीख को बहुत मंगलमय समय रहेगा, दिन आपका सुखमय बीतेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, मन प्रसन्न रहेगा और जो तो अच्छे अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा और मन में सुख और शांति रहेगी, समृद्धि अपने आप बढ़ती रहेगी। इस प्रकार से 27 और 28 तारीख है, 29 और 30 तारीख को ये चतुर्थे कलहागमा, ये समय ठीक नहीं है, 29 और 30 दो तारीखों में थोड़े सावधानी से काम करना है, मुख मलिन रहेगा और किसी से विवाद हो सकता है, मित्रों से नुकसान होगा, कुछ न कुछ चिंता में पूरा दिन व्यतीत होगा, कलहकारी वातावरण बन सकता है। और 29-30 एक और दो तारीख को आपके यही जो है सो तृतीय धन संपत्ति, उसके बाद धन संपत्ति का योग है, वो उत्तम धन प्राप्ति का है, एक दो तीन तीनों दिन आपका लाभ बहुत अच्छा रहेगा, केवल दो दिन खराब रहेंगे। इस सप्ताह में इस प्रकार से कन्या राशि वालों का यह मंगलमय समय मैंने बताया, आशा करता हूँ कि आपका समय अद्भुत है। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस,
या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी शोषण से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।